सब समाचार ठीक है? जी जी जी। ये तो सरकारी लेटर लग रहा है। मास्टर जी सरकारी ही है, यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अच्छा 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 अच्छा। अरे बेटा जरा देख तो ये लेटर में क्या लिखा है। बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या हुआ बाबूजी? हमारा सिलेक्शन हो गया बाबूजी, ट्रेनिंग के लिए जाना है। अरे बेटा ये तो बहुत बढ़िया हो गया रे, भगवान ने हम सब की तमन्ना पूरा कर दिया। अरे सुलेना, अरे देख अपना बेटा दरोगा बन गया रे, दरोगा बन गया। चल बेटा चल। वेलकम टू कल्याणपुर थाना सर। आपने हमारा चरित्र प्रमाण पत्र बहुत अच्छे से बनाया, इसके लिए धन्यवाद। ये तो हमारी ड्यूटी थी सर, हमने तो अपना फर्ज निभाया। बाकी काम तो एसपी साहब की है, उनको आपका तेवर बहुत प्रभावित किया। हम तो बस इसी बात से खुश हैं सर कि जीवन में पहला बार कुछ अच्छा काम किए। और उस अच्छे कार्य के लिए हम आपको सलूट करते हैं। सर विराजिए सर, आज तो बैठ ही लेते हैं लेकिन कल से काम शुरू। जी सर। कस्बा से तमाम गुंडागर्दी चोरी डकैती खत्म करनी है और आपको उसमें हमारा साथ देना होगा। जान लगा देंगे सर। छट्टू महाराज कब तक आने पहुंचाया? सब पैसा नहीं है, अभी आएगा तो पहुंचा दूंगा। अब तक तेरा बाप पीटेगा, बहुत दिमाग बढ़ गया है। सब पहुंचा दूंगा, रोपड़ी उड़ा दूंगा यानी।
अपना चेहरा आईने में देखती क्यों बार बार, अपना चेहरा आईने में देखती क्यों बार बार। क्या तुम्हें होता नहीं है, क्या तुम्हें होता नहीं है मेरी नजर पे एतबार, अपना चेहरा आईने में देखती क्यों बार बार, अपना चेहरा आईने में देखती क्यों बार बार। चमन में ताजगी हर अदा तेरी जहां को देती है दीवानगी, हुस्न तेरा एक नशा है, हुस्न तेरा एक नशा है, करता जो दिल बेकरार, अपना चेहरा आईने देखती क्यों बार बार, अपना चेहरा आईने में देखती क्यों बार बार। देखे कि उसका खून हमारा मूत से भी ज्यादा गर्म है क्या। मौसम बदल गया है छट्टू महाराज, थाने को मंदिर समझ के माथा टेकिए, मूत खाना समझने का गलती करेंगे तो मूत के जगह से खून निकलेगा। खून तो हम बहाएंगे।
कितने बड़े सूरमा है। सूरमा तो तुम्हारा आज हम बनाएंगे छठू महाराज, और वो सूरमा तुम्हारे पिछवाड़े लगाएंगे। अगर तुम्हारा इसी अकर से एक एक करके यहां हर पुलिस वाला मरेगा। होशियारी ना। क्या चाहते हो हमसे? ये हुई ना बात। सब पुलिस वाला को छोड़ देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम हमारा जूता को अपना जीभ से चाटोगे। मंजूर है? नहीं सर, आप ऐसा नहीं करेंगे सर। आप हमारी जान की परवाह मत करिए सर। आप पर हमें अभिमान है सर। इस जन्म में क्या, हर जन्म में आप जैसे साहब के लिए हम लोग मरने को तैयार हैं। हम अपने अभिमान के लिए तुम सबकी जान की आहुति नहीं दे सकते रामधनी। लोटन पांडे नाम है हमारा। छठू महाराज शायद तुमको किसी ने बताया नहीं कि हम मजाक मजाक में बहुत मार मारते हैं। थाने के अंदर गुंडागर्दी करोगे तुम, छठू महाराज जो नेता मंत्री तुम्हारे घर में पानी भरते हैं, उनके भी दिल में हम डर बन के रहते हैं, और इसीलिए लोग हमें वर्दी वाला गुंडा कहते हैं। तुमने छट्टू महाराज के गिरेबान पे नहीं बल्कि एक जहरीले नाक के बिल में उंगली डाला है। अब मैं तेरे माँ के परवाने पे कैसे दस्तखत करता हूँ ये तू देखेगा, देखेगा तू। पागल कुत्ते की तरफ होकना बंद करो, और ये दिन में सपने देखना बंद करो, क्योंकि अभी तो सिर्फ उंगली डाला है, अब डंडा डालूंगा। और जब तक तू तिहाड़ जेल से सजा काट के बाहर आएगा, तुम्हारे हाथ कांप रहे होंगे। मेरे मौत के परवाने पे दस्तखत करना तो दूर, पकड़ के मूतने लायक नहीं रहेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देख करूंगा, देख, तूने हमारी ताकत को नहीं पहचाना। अब ये लोग तेरा
और तेरे इस पुलिस स्टेशन का क्या हाल करेंगे ये तो देख देख अब तू। छट्टू महाराज को नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। छट्टू महाराज को छट्टू महाराज को छट्टू महाराज को अगर महाराज जी को नहीं छोड़े तो हम ये पुलिस स्टेशन फूंक देंगे। अच्छा पुलिस स्टेशन फूंक देंगे गुंडागर्दी करेंगे आप लोग तो भैया शायद आपको ये बात पता नहीं है कि अगर अपने पे आ जाए तो साला पुलिस से बड़ा गुंडा कौन है। नहीं पता दिखाते हैं। रंजीत सिंह जी सर ये थाना फूकेंगे। बुझ रहे हैं सर। जरा लगाइए तो इस चोरकट के खोपड़ी पे निशाना। लगाते हैं सर। हाँ मारिए मारिए हम मौत से नहीं डरते। नहीं नहीं आप लोग कहां डरेंगे महाराज। डरते तो हम लोग हैं। आप लोग तो बहादुर आदमी हैं। रामधनी जी के धारी जी। यस सर। कितना इनकाउंटर किए हैं आप लोग। एक को नहीं, नहीं सर। तो एक काम करिए। यस सर। लगे हाथ आप लोग भी हाथ साफ कर लीजिए। ठीक है सर। लगा लीजिए निशाना। एक मारेंगे सर। लग गया। यस सर। सर रेडी हैं? मरेंगे ना। फायर। देख रहे हैं यस सर। खाना भूकेंगे। अरे महाराज अभी तो हवाई फायर था। असली फायर तो अब होगा। अब नहीं फूकेंगे था। ए साला थाना में मुद दिया। बताइए थाना फूकने आए थे साले थाना में मुद के चले गए। क्या छट्टू महाराज यही थे तुम्हारे आदमी। एक गोली की आवाज सुन के सब के सब साले हग मुद दिए। दरोगा ज्यादा खुश मत हो। अपना जीत पे ज्यादा खुश मत हो। कहे कि और भी हैं तुम्हारे पाप जो ऊपर बैठे हैं हमारे समर्थन में जिन्हें चड्डी धोने का पैसा भी छट्टू महाराज देता है। देख देख दरोगा देख। लगता है तुम्हारे बाप लोग आ गए। इनकी भी चड्डी उतारता हूं। तुमको पता है किसको पकड़ा है तुमने? जानते हो इनके बारे में? नहीं सर। बता देंगे तो एफआईआर लिखने में सहूलियत होगी। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करोगे? इनके एक चीख से पट्टा कांपता है और दिल्ली हिलती है। सियासत की बागडोर हिजड़ों के हाथ में है क्या सर? जो कल्याणपुर का एक अदना सा भड़ुआ पटना को कपाता है और दिल्ली को हिलाता है। जुबान को लगाम दो रामलोटन। आप भी थोड़ी आवाज नीचे करके बात कीजिए। जिस आदमी की सिफारिश लेके आप आए हैं वो आपके लिए तोप होगा। मेरे थाने का मुजरिम है वो। कहना क्या चाहते हो? कहावते कमजोर कहते हैं सर। हम बताते हैं थाने पे हमला करके दंगे का माहौल बनाने वाला छट्टू महाराज मुजरिम है। मेरे आंखों के सामने एक पुलिस वाले को गोली मारा दंगे का माहौल बनाया। सिर्फ एफआईआर ही दर्ज नहीं किया है हमने। इसके पूरे अपराध की किताब है मेरे पास जिसे पढ़ते पढ़ते उम्र बीत जाएगी पन्ने खत्म नहीं होंगे। मैं कहता हूं महाराज को छोड़ दो। तो आप छोड़ दीजिए। अगर संविधान आपको अनुमति देता है। हम तो यहां थानेदारी करने के लिए आए हैं दलाली नहीं। रामलोटन पाड़े हम यहां कानून सीखने नहीं आए कानून सिखाने आए हैं। छट्टू महाराज को छोड़ दो नहीं तो हम अगर अपना पावर दिखाएंगे
तो सड़क पर नंगा होकर घूमोगे। रामधनी। यस सर। डीएसपी साहब के लिए अच्छी चाय मंगाओ और विधायक साहब के लिए हल्दी दूध का इंतजाम करो। हल्दी दूध सर? हाँ, विधायक जी खादी का पावर दिखाने में खाकी पे हाथ डाल दिए, अब थुकाई के बाद इनको हल्दी दूध की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर। टिंगल चल रहा है, कॉमेडी चल रही है, हैं? क्या हो रहा है, मजाक कर रहे हो हमसे? तुम रंडी नाच हो रहा है? मजाक नहीं करते हैं सर, मजाक मजाक में हम बहुत मारते हैं। अच्छा डायलॉग मारा, बहुत अच्छा। लगता तू सिनेमा बहुत देखता है, हाँ? का समझता है रे तू अपने आप को? सलमान खान, अजय देवगन, का है तू, हाँ? इसमें समझने की क्या बात है सर? यूपी बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, यहाँ के सिंघम, दबंग और बॉडीगार्ड हम ही हैं। लगता है आप फिल्म नहीं देखते, इसलिए आपको नहीं पता, समय नहीं मिलता होगा ना? कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं आपको फिल्म। हमारी आंख में देखिए सर, सिंघम दिखेगा सर, इधर सिंघम दिखेगा। आली रे आली, अतम माझी पारी आली, अतम माझी सटकली। तू विधायक पे हाथ उठाया रे, गुंडागर्दी करता है? अरे महाराज, एसपी साहब, अरे कैसा कैसा गुंडा को वर्दी दे रखा है भाई? क्यों, आप लोग गुंडों को टिकट दे सकते हैं, ये लोग गुंडों को वर्दी नहीं दे सकते? अच्छा है, अभी तो आपने सिंघम देखा, बॉडीगार्ड देखिए। रामधनी। यस सर। जरा बॉडीगार्ड वाला गाना गाओ तो। ठीक है सर। आया रे आया बॉडीगार्ड, आया रे आया बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड रिपोर्टिंग सर। हम तुमको इतना मारेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि आए तो इधर ही से थे, अब भागे किधर? नहीं सुनाई दे रहा है? चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो अब आपको सलमान खान दिखाते हैं, दिखाई देगा। थाने के अंदर 12 मिनट में तुझको कानून सिखाएंगे रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ओ 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 ओ। पानी पानी। रामधनी। यस सर। पानी लाओ। हाँ लाओ सर। पिलाओ पिलाओ, पानी पिलाओ। लीजिए पानी सर। लीजिए, पीजिए। विधायक जी, ये हिंदुस्तानी पानी है, तुम्हारा विदेशी दारू नहीं। पियो 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 पियो, गिरना नहीं चाहिए। अगर जमीन पर गिरा तो पानी पिला पिला के मारूंगा। पानी नहीं, पानी नहीं, नहीं पियेंगे, नहीं, नहीं पियेंगे। एक काम कीजिए, हाँ। इनको भी छठू महाराज के बगल में लटकाइए, और जितना धारा छठू महाराज के ऊपर लगा है सर, आधा इनके ऊपर बांध दीजिए। ओके सर। उनका बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा सर। ठीक है, ठीक है सर। गिरधारी। यस सर। लटकाओ जरा इन्हें। चलिए। हेलो जी सर। सर हम अभी आ रहे हैं। अरे छोड़ के साहब का फोन आओ, जरा सीएम साहब का फोन है, मीटिंग में जा रहे हैं। सुनिए 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 सुनिए, हाँ। अभी तो आप जरा होल्ड ऑन सर, अभी तो हमारे गुरु जी वाला आप देखे ही नहीं। अच्छा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है रामलोटन पांडे। हो गया, अब बाकी जितना हीरो का है इनको दिखाइए। आया सर, अभी बस जस्ट आ रहा हूँ सर। हाँ सर, पहुंच रहा हूँ सर। सही कह रहा था विधायक, गलती से आप लोगों ने गुंडे को वर्दी दे दी है, और जब तक मेरे बदन पे वर्दी है मैं यहां किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। और हां, आज के बाद मेरे काम में दखल अंदाजी करने मत आइएगा। अब आप जा सकते हैं। वेल डन, तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो। ओ,
अरे बाप रे बाप, साला मार मार के हमारा गाल के पराठा बना दिया है। इतना मार साला पब्लिक में खाए होते तो विधायक जी से सीधे सांसद जी बन गए होते। बाप रे बाप, अरे भगवान। और तेल लगाइए छट्टू महाराज को, खुद तो खाया और आपको भी खिलवाया। हम पूर्वक नहीं हूं, लतखोर नहीं है हम, मार खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। तीन तीन बार विधायक बने हैं उसके बल पर, पब्लिक का सपोर्ट है उसके पास। अरे देख लिए उसका सपोर्ट, सेना लेकर गए थे थाने में, धूम दबाकर भाग आए। अरे उससे ज्यादा सपोर्ट तो हमारे पास में है, तो कुछ करिए। सपोर्ट है तो कुछ करिए, और नहीं करेंगे तो सुनामी की लहर की तरह बहा कर ले जाएगा हम सबको। ठीक है, करते हैं, लेकिन हमारा एक शर्त है। लीजिए, कौन सा शर्त है भाई आपका? पहला नाम जगन पहलवान का आवे चाहिए, ये छट्टू मट्टू का नहीं। हे महाराज, आप क्या है, क्या है आप? पजामा है कि आदमी है? आए? एक बार कह दिया तो क्या करे, अब स्टाम्प पैड पे मुहर लगा के दे। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे लटकाते हैं ये राम लोटन को। गिरदारी, यस सर, स्टेशन का ध्यान रखना। ओके सर। सर, मार मार के सब तो तोड़ दिए, फिर थाने काहे को बुलवाए हैं? ये बताने के लिए बुलाए हैं कि तुम लोग का बाप तो बेटा गया 12 के भाव में, अब तुम लोग भी सुधर जाओ, नहीं तो एक एक करके साले सबको ठोंक देंगे हम। तो हम का करें साहब, रास्ता में भीख मांगी कि मंदिर में पुजारी बन जाएं? न तुमको मंदिर में साधु बनने को कह रहे हैं और न रोड पे भीख मांगने को कह रहे हैं। रोजगार करो, और वो भी ईमानदारी से। पैसा कहां से आएगा? अगर ईमानदारी से तुम लोग रोजगार करने का वादा करो तो पैसा का व्यवस्था हम करा के देंगे। लेकिन याद रखो, विश्वास कर रहे हैं, अगर विश्वासघात किए तो एक एक जन को ठोक देंगे, किसी को इनकाउंटर में तो किसी को मुठभेड़ में। अब कहां भाई, कहां है? सच कर रहे हैं कि खाली सपने दिखा के चले गए? अब जवान भी हो, देखते हैं कथनी और करनी में कितना फर्क है। सर, ये है हमारी धर्म पत्नी जो पिछले साल बीमारी की भेंट चढ़ गई। पर सरकारी अफसर, इलाज के लिए पैसा भी नहीं जुटा पाया। आओ बेटा बैठो। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी की डोली उठेगी भी नहीं। कहा करते सर, 8 लाख रुपया में बाबूजी ने यह वर्दी खरीद कर पहनाया था। कर्जे का बोझ ने बाबूजी का गर्दन दबा दिया और उस समय से पहले ही परलोक से धार गए, और मैं खड़ा विभस देखता रहा। बहन का ब्याह का चिंता, कर्जदारों का दबाव और सिस्टम के कमीने पन ने रंजीत सिंह को ईमानदार से बेईमान बना दिया। सर, हम समझते हैं आपकी परेशानी, हम समझते हैं ईमानदारी में तकलीफ होती है, लेकिन उसका अंजाम बहुत अच्छा होता है। पर ईमानदारी से बहन का घर भी तो नहीं बसेगा सर। बसेगा। अब इस बहन के एक नहीं, दो भाई हैं, और मेरी प्यारी बहन की डोली इतनी धूमधाम से उठेगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। बेटा। हाँ माँ। अभी तक तो मैं तुम्हें मुझसे सुना करती थी, पर आज एकदम यकीन हो गया। क्या माँ? ये तो एकदम इंसान के रूप में भगवान है। हाँ माँ।
अबे साले मरने का विचार है क्या? नहीं साहब, जीने की ललसा लेके आए हैं बस, कृपा कीजिए। कैसी कृपा रे? जोग सिंह के साथ रह के हम बहुत अपराध किए हैं, सुने हैं कि आप गलत लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, तो हम भी सुधरने के लिए आए हैं। सोच ले, गलती किया तो माई कसम गर्दन काट लीजिए का। ठीक है, थाने जाके रंजीत बाबू के यहाँ अपना नाम लिखवा लेना। ठीक है साहब, प्रणाम। चल हट। हर जगह ऐसा साहब आ जाए तो राम राज हो जाएगा। हे भगवान। लाइए सर, हम खड़ी कर देते हैं। सर, एक औरत के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। रिपोर्ट लिखाया? कार्रवाई चाहती है, रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहती। अच्छा, तो आप हैं? जी। देखिए, आप रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगी तो कार्रवाई कैसे होगी? अरे जैसे होता है साहब, अब हम आपको का बताएं? वो हमको ऐसी ऐसी जगह हाथ लगाया है ना कि अगर रिपोर्ट लिखवाएंगे तो बड़ा बदनामी होगा। एड्रेस पता मालूम है उसका? हाँ मालूम है। चलिए बताते हैं। चलिए देखते हैं, आइए। हाँ।
समझता हूँ तुझको, क्यों दिल तेरा समझे ना, जब दिल चाहे तेरा सनम अपने रंग में रंग लेना। चाहे दुनिया बदल जाए, प्यार का मौसम बदले ना, करो भरोसा तुम हम पे, हूँ मैं तेरा सजना। वर्दी सरकारी है, जान से प्यारी है, कसम से कहता हूँ जान तू हमारी है। बात कह दूंगा जाके बीच बाजार में, मेरे जैसा दूजा ना मिलेगा संसार में। मेरे जैसी लड़की ना मिलेगी संसार में, मेरे जैसा दूजा ना मिलेगा संसार में। खुन्नस हमारे साली पे खाई निकाल रहा है, उसे कुछ हो गया तो मुंह कैसे दिखाएंगे? पता नहीं कहाँ रखा है इनके मुंह में जो लोग देखेंगे। ए, ये प्रतिक्रम हमको नहीं दिखाना, कौन देते हैं हम? आज के बाद नहीं मिलोगे हमारे सोनल से। अरे जीजा जी, संभाल के रोकना है तो हमको रोके ना, काहे कि हमारा दिल उन पे आया है, उनका नहीं। पागल मत बन, वर्दी के रोम में जाने कितने लोगों को दुश्मन बना लिया है, कब मरेगा पता नहीं चलेगा। मौगा के सुहागन बने से तो अच्छा है कि हम मर्द के विधवा बनूं। इसे अंदर लेके जा, अंदर लेके जा। दीदी, जीजा जी, अंदर तो हम जाइबे करेंगे, लेकिन तनी दो मिनट दे दीजिए, पाड़ी जी से बतिया ले। ए हो पाड़ी जी, जब से ये वर्दी पहन के लोगों को ठोकना शुरू की हो ना, हमारा दिल करता है कि आपको ठोकू चंद बुलाए। तो बुलाओ ना, मना किसने किया है? मगर एको शर्त पर, हमको जो कोई भी गोली मारा है ना, उसको ऐसा ठोकना कि वो बंदूक पकड़ना तो दूर, देखना भी भूल जाए। हाँ। चिंता मत करो, देखो तुम्हारा ठोकू चंद कैसे सालों की ठुकाई करता है। जीजा जी, अब चलो अंदर। ये गन्ना सिंह कौन है? ये दूध माफिया है, पूरा इलाका में नकली दूध और खोआ का सप्लाई करता है। ये गोली चलवा सकता है? इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये जगन कौन है? ई इस इलाके का सबसे घात क्रिमिनल है, ई गोली चलवा सकता है। प्रणाम सर। कारे गोरखा, गोलीकांड का कुछ पता लगाया? पता तो चल गया, लेकिन हमारे जान का खतरा है सर। तुम्हारे जान की जिम्मेदारी हमारी है, नाम बोलो। जगन का आदमी छोटू सिंह। कहाँ मिलेगा? बोल रहे तो इसी तरह से हड्डी तोड़ते रहेंगे। बोल, बता वहाँ पे गोली कहाँ है? बता गोली कहाँ है? अरे रुकिए, छोड़ दीजिए, इधर आइए। देखिए ये लोग मार मार के आपको खराब कर देंगे, इसलिए बता दीजिए क्यों चलाए थे हमारे ऊपर गोली। साहब, चिड़िया मार रहे थे, गलती से गोली लग गई साहब। अच्छा, चिड़िया मार रहे थे? ओ, अरे भैया ये चिड़िया मार रहे थे, कहाँ पीट रहे हैं इनको आप लोग? तो एक बात बताइए, बोलिए, पुड़िया खाते हैं साहब? कभी कभी। अच्छा, तो पुड़िया खाना तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि पुड़िया खाने से मुंह का कैंसर होता है। हैं? हाँ सर। तो रामधनी जी। यस सर। जरा इनके माथे पे पुड़िया चिपकाइए तो। ठीक है सर। ये चिड़िया मार रहे थे तो हम भी पुड़िया को मारेंगे। ठीक है साहब, चिपकाइए। ए हाँ, चिपका दीजिए अच्छी तरह, घबराइए मत। आप चिड़िया को मार रहे थे ना, हम पुड़िया को मारे। बस बस बस, पकड़ लीजिए जरा पीछे से इनको। नहीं, हाँ, पकड़ के रखिए। नहीं, नहीं, बताता हूँ,
बताता हूँ। अच्छा बताएंगे? हाँ साहब बताते हैं, बताइए। बताते हैं, जगन सिंह के कहने पर गन्ना सिंह ने पैसे दिए थे आपको मारने के लिए साहब। हाँ साहब। अच्छा ठीक है, छोड़ रहे हैं, आज के बाद फिर पुड़िया मत खाइएगा। ठीक है साहब, ठीक है, उतार दो इसको। जल्दी जल्दी करो बे। अबे यूरिया वाला दूध नहीं बना, साबुन का बनाना है, टैंकर खड़ा है, शहर भेजना है ना माल, जल्दी करो। क्या कर हुआ? का साहब क्या कर रहा है बे? तो गन्ना सिंह तुम ही हो? परिचय बताए का? छोटुआ को गोली कहा है मारी? कौन छोटू? ज्यादा भोला बनने का जरूरत नहीं है, वही छोटू जिसको पैसा देकर तुमने साहब पर गोली चलवाया। कौन छोटू? हम कौनों को पैसा नहीं दिए और कौनों पे गोली नहीं चलवाए। चला जा यहाँ से, नहीं तो यही पे ठोक दूंगा। अरे भैया ठोकने तो हम आए हैं, परिचय बताएं। बाप तुम्हारे को जिसका रोमा नहीं उखाड़े, नाम रामलोटन पाड़े। रामलोटन पाड़े? हाँ। आगे मत बढ़, गोली मार दूंगा। अबे तो खाली बोलेगा कि मारेगा भी? आगे मत बढ़, नहीं तो गोली मार दूंगा। मारिए मारिए। गोली मारो। आप मारे ना छोटुआ को गोली। साला तुम लोग हमको फंसा दिया। नाम रामलोटन पाड़े। उठो उठो उठो। अरे अरे अरे, आई देखो भाग रहा है। आओ आओ तुम लोग आओ आओ। नाम सुने हो हमारा? जी साहब। क्या नाम है? राम लोटन पाड़े। हाँ, और कारनामा के बारे में? देख लिए सरकार। देख लिए ना? तो देखो भैया, हमको गोली मारने में टाइम नहीं लगता। क्या रंजीत जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो तुम लोगों के पास भैया 3 मिनट है। अगर 3 मिनट में गन्ना सिंह को तुम लोग पकड़ के लाए तो ठीक, नहीं तो भैया एक एक को 3-3 गोली मारेगी। समझ गए? अब अगर समझ गए हो तो खड़े क्यों? चला गया? अरे हम यहाँ हैं। अरे अच्छा हुआ तुम लोग भाग गए। अरे इंस्पेक्टर बाबा बड़ा सन किया है, बार बार से गोली मारता है। अरे वो गया कि नहीं गया? अरे हम भागे कहाँ, हम तो आपको पकड़ने आए हैं सरकार। आपको पकड़ने आए? अरे सारे पकड़ा गए होगा, मारूंगा सारे तुम लोगों को। अरे वो हमको गोली मार देगा। अरे हमारा आदमी होके साला हमारा खाके हम इन्हीं को पकड़ोगे? अरे काहे समय बर्बाद कर रहा है, 2 मिनट तो ऐसा ही हो गया, 3 मिनट का समय दिया है, चलो पकड़ो। गोली मार देगा मेरे को। अरे छोड़ दो बे। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे छोड़ दो बे। अबे छोड़ दो बे। अरे बम गोली मार देगा मेरे को। ये रंजीत जी ले आया। क्या कर रहे हो बे? अरे हमारा आदमी हो क्या, हमें को बता रहे हो? अबे लाइए लाइए, उतारिए उतारिए उतारिए। अरे वो लोग को कहे डांट रहे हैं? वो लोग का गलती नहीं है, ये वर्दी वाला गुंडा का डर है। एकदम टाइम पर लाया है लोग। रंजीत जी जी सर, एक को सेकंड लेट नहीं किया है। चलो भाई तुम लोग अच्छा काम किए हो, चलो तुम लोग निकलो। और गन्ना सिंह जी क्या है इसमें? दूध। अच्छा सुनते हैं आप नकली दूध बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं असली है। असली है? हाँ। तो जरा पी के दिखाइए। पीजिए पीजिए आप ही का।
क्या हुआ? पीजिए पीजिए। नकली नकली है रंजीत जी सर। नोट कीजिए, नकली दूध बनाते हैं। नोट किए सर। अच्छा वो सब का टंगा है? मक्खन। वो भी असली होगा। आइए तो एक बार और सोच लीजिए, असली है ना? हाँ असली है। अच्छा असली है। रंजीत सिंह जी सर, थोड़ा इनको खिलाना पड़ेगा। हैं सर। नकली है। तो बताइए कहाँ ये सब नकली चीज बनाते हैं? गलत बात। तो नकली है तो इसको गिराना पड़ेगा। गिरा दीजिए। अच्छा देखिए, बनाए ही है गिराएंगे हम। बेटा बनाए तुम हो तो गिराना भी तुमको ही पड़ेगा। कैसे गिराओगे पता है? आ जाओ। कहाँ भाग रहे हैं? आइए आइए आइए। और भी कुछ बनाते हैं? कुछ नहीं बनाते। रंजीत सिंह जी यहाँ तो काफी ठोकाई हो गया सर। अब आपका थोड़ा ठोकाई अंदर हो, ठीक है? चलिए दवा के धो। अरे साहब, अरे हम तो सिर्फ पैसे दिए थे, बोला तो जगनवाले था, अरे उसको काहे नहीं पकड़ते साहब? पकड़ेंगे, उको भी पकड़ेंगे और तेरे बाजू में बिठाएंगे। नकली दूध बनाने, जहरीला खोआ बनाने, पुलिस अफिसर के ऊपर हाथ उठाने और एक आदमी को गोली मारने के इल्जाम में तू तो गया बेटा, लंबे से गया। और ये हमारे बड़े साहब है ना, इतना दफा लगाएंगे कि जज भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस पर सजा सुनाए और किस पर फांसी दे। अरे सिंह साहब कोई तो आइडिया लगाइए, जितना बोलेंगे उतना देंगे। साहब हमारी तरह घुसखोर नहीं है, बहुत ईमानदार और कड़क हैं। अरे भाई बाप कुछ तो कीजिए, भाई बाप कुछ तो कीजिए। रुकिए, बतिया कर आते हैं, ध्यान रखिएगा। बोलने के बाद अगर कहीं साहब का मुंडा फटका और अगर पड़ी तो कह लेना। साहब इसका ऊपर कौन कौन सा धारा लगाए? क्षेत्र के चोर बदमाशों को रोजगार कराने में कितना खर्चा आएगा? 10-15 लाख। ले लो। काम बन गया समझो, जरा फनवा निकालो और अपने आदमी से कहो कि 15 लाख रुपया लेकर आए। का 15 लाख? कहा है काम है? कहा तो 25 लाख कर दो। ईमानदार है तो इतना मांग रहे हैं, बीमार होते तो क्या करते? पूछ कर बताते हैं। नहीं, जाने दे, मैं फोन लगाता हूँ। अरे मगरुआ, मैं गन्ना सिंह बोल रहा हूँ। अरे काहे बे? राम। जय महाकाली। अब समझ में आया के पंडु कौन और अंडू कौन? बोल के शर्मिंदा मत करो जगन। महाराज जी बहुत दिनों से आपका और आप जिनका पकड़ के चलते थे ना, अब वो हमारा पकड़ के खड़े हैं। जय महाकाली। बोल लो जगन, आज तुम्हारा बखत है। कभी न कभी तो घूर के भी दिन बदलते ही है ना। अरे अरे अरे, आप तो नाराज होने लगे। चलिए आपकी नाराजगी दूर किए देते हैं।
दरोगा कहीं तो देखने नहीं आया कि चट्टू महाराज बाहर कैसे आ गया, या फिर दर्द हो रहा है? तुम्हारा ही लगाया हुआ दफा, तुम्हारे ही पिछवाड़े घुसेड़ दिया। पिछवाड़े तो उसके घुसाएंगे जो तुमको बाहर निकाला है। वही तो देखने आए हैं कौन है तुम्हारा हिमायती। हम है इसके हिमायती जगन पहलवान। देखते हैं क्या उखाड़ लेते हो। हाँ साहब, जगन सिंह के कहने पर गन्ना सिंह ने पैसे दिए थे आपको मारने के लिए साहब। अच्छा, असलहा दिखा रहे हो तो लगे हाथ इसका लाइसेंस भी दिखा दो। इसको कहते हैं लाइसेंसी असलहा, और जब इसकी गोली खोपड़ी में घुसती है तो हमारी जबान में उसको एनकाउंटर कहते हैं। बहुत गलती की है पहलवान, छठू महाराज को बाहर निकाल के। गलती से तुमने हमारी गोली पे छठू महाराज की जगह अपना नाम लिख लिया है। अब आज से हमारी गोली तुम्हारा पीछा करेगी। अभी तो ये नमूना था, ज्यादा फड़फड़ाओगे द एंड कर दे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बिल्कुल सही कहा गया है। जब इंसान का बुरा दिन आता है तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। दीवाने पंडिताई नहीं तो तू ही से शुरुआत करेंगे। ए जगन पहलवान, सही कहा गया है, एकदम सही कहा गया है कि साला पहलवान का बुद्धि उसका घुटना में होता है। जोश में होश मत गवाओ, नहीं तो क्रियाक्रम के लिए तुम्हारी लाश तुम्हारे परिवार को नहीं मिलेगी। जिस तरह एक मरे हुए कौवे को देखकर पूरे इलाके के कौओं की जमात इकट्ठा हो जाती है और काव काव करके पूरी खोपड़ी को नोच डालते हैं। अरे बैल बुद्धि विंध्याचल है, एक मरे हुए पुलिस को देखकर हजारों पुलिस वाले तेरी खोपड़ी पर तांडव नृत्य करेंगे। हमारी बात तुमको समझ में आई? बुझाया कुछ तका करें हम, हाथ हाथ धर के बैठे रहे। विधायक, अपमान की आग में जल रहा हूं, जब तक उसे हवन में भस्म न कर दूं, अग्नि को शांति नहीं मिलेगी। अपमान का बदला जरूर लेंगे, वो भी उस ससुरा के खोपड़ी में गोली मार के। नेताजी, पहलवान सही कह रहे हैं, अगर हम उसको गोली नहीं मारेंगे तो अगली बार हमको लात मारेगा लात। सरवा, हमारा आदमी को मार के हमारी को बता दिया और 15,00,000 रुपया लेकर अब रंजितबा की बहन की शादी करवा रहा है। अरे हम छोड़ेंगे नहीं उस लोटनवा को। ठीक है, जैसी हरी इच्छा। आइए आइए बाबूजी। आप कैसे हैं बाबूजी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रणाम बाबूजी। खुश रहा, खुश रहा, बहुत बहुत मुबारक हो। प्रणाम चाची। खुश रहा बेटा। कैसे मुखिया जी? बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। चाची सबको लेके अंदर जाइए, आइए। चला बैठते हैं भाई। बैठिए मुखिया जी। बाबू बेटा पानी वानी पिला। और कहिए जी। भैया लाया। प्रणाम प्रणाम। का दीदी लगता नहीं, हम घर की होके इतना देर से आएंगी, कब से हम इंतजार कर रहे थे। तो हम क्या करें बताओ ना, ये जो मास्टर साहब है ना, उनको बुढ़ापा में सिंगार करने का शौक है, लगे थे तैयार होने। चलिए चलिए अंदर, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। लड़की को पीढ़ा पर बैठा दिया ना। अरे आओ, आप आई हैं, अब बताएंगे तब ना हम बैठाएंगे। अच्छा भाई, चलो चलो चलो।
चलो वहाँ जाके बैठो। आइए आप मेरे पास आइए आइए। अरे भाई कोई आरती को ले आओ। बैठिए आइए। इंतजाम तो निमन की हो। लो आ गई। आओ तुम लड़कियों के होते हुए ऐसा सुना सुना लगा रहेगा, नाच गाना नहीं होगा? अरे होगा ना। अरे उठो उठो, तैयार हो नाच गाना करने के लिए। सोनल के होते हुए अगर नाच गाना ना हुआ तो फिर क्या हुआ हा? और क्या, चल। सैया बोले मैं तो जानू चोर रे, सजिया पर सैया बोले मैं तो जानू चोर रे, सजिया पर सैया बोले मैं तो जानू चोर रे, सजिया पर सैया बोले मैं तो जानू चोर रे। धक धक करे जा हाय, धक धक करे जा करन लागा मोर रे, धक धक करे जा करन लागा मोर रे, सजिया पर सैया बोले मैं तो सजिया पर सैया बोले। हमार बुढ़ऊ तो अबही जवान है। होय 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 क्या बात है। हमार बुढ़ऊ तो अबही जवान है से जरिया बट। अच्छा अच्छा चिंता काहे को करते हैं, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। अच्छा प्रणाम अम्मा जी। जीती रहो जीती रहो, खूब रंग जमाया। भगवान तुम्हें खूब सुंदर बर दे। अरे दीदी आप भी जा रही हैं, घर सुना सुना हो जाएगा, थोड़ी देर रुक जाती। अरे कोनो जरूरत पड़ेगा तब बुलवा लेना, अभी तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा सुन, बेल्टी को हल्दी चढ़ गया है, अब उसको अकेले मत छोड़ना, इन्हीं उन्हें जाने मत देना, हमेशा साथ ही रखना, समझ रही है ना? ठीक है दीदी। अच्छा
कुछ भी कहो मुखिया, अभी भी तुम जवान ही हो भाई। आप जैसे लोगन का आशीर्वाद है। क्या बात करते हो यार। काजी बतियाते रहिएगा, घोड़े चलिएगा कि नहीं? अरे चलेंगे चलेंगे, काहे चिंता कर रही हो? तो आप चलिए। हाँ ठीक है भाई, चलो भाई। आप लोग आए। अरे बेटा किसी बात का चिंता मत करना, हम लोग हैं। नमस्ते जी। चलो प्रणाम 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 प्रणाम। बेटी आरती, 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 रणवीर, बेटा, रंजीत। क्या हुआ माँ, तू इतनी घबराई कहाँ है? देखो ना, आरती अपने कमरे में नहीं है। क्या? सागर खोज लिए हैं। चलो चलो देखते हैं। हेलो, क्या रंजीत बाबू, बहन को खोज रहे हो? वो अब हमरे पास है। अब हमरी एगो बात ध्यान से सुनो। वही जहां तुम माथा टेकने आते थे। बेटा क्या हुआ, किसका फोन था? माँ, माँ क्या हुआ? आरती, 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 जयंत सर। क्या हुआ रंजीत जी? सर आरती को जगन के आदमी उठा ले गए सर। मौत को दावत दी है। नारी, यस सर, ये नारी, ठीक है सर। जाओ साला, रेड मारना जगनवा के अड्डे पे। आज इस हरामी को इसके अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। सर सर, अगर हम लोग ये सब करेंगे तो आरती को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसका शर्त का मुताबिक वो आरती को तभी छोड़ेगा जब मैं आपको निहत्था उसके पास पहुंचाऊंगा। चिंता मत कीजिए रंजीत जी, अगर उनके शर्त के हिसाब से मुझे निहत्था जाना पड़ेगा तो बहन की जान बचाने के लिए हम निहत्था जाएंगे उनके पास। निहत्था जाना बेवकूफी होगी सर। अगर इस बेवकूफी से बहन की जान बचती है तो हम ये बेवकूफी जरूर करेंगे रामधनी। पर हम आपको अकेला नहीं जाने देंगे सर। इतने सालों की नौकरी में पहली बार कोई साहब हमको मिला जिन्होंने हम सबको काम करना सिखा दिया। चिंता मत करो रामधनी, हमारे बाद भी अच्छे लोग आएंगे क्योंकि ये दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। आइए रंजीत जी। भगवान ना करे अगर कुछ अनर्थ हुआ तो हम आपके किस्से अपने बच्चों को सुनाएंगे जिसे हथियार पर नहीं अपने हाथ पर भरोसा है। हे भगवान, हमारे साहब की रक्षा करना।
सुना तो मैं तेरे माँ बाप को चाहता था, लेकिन हाथ आई ये लड़की। मैं जानता था कि मैं तुम्हारी पीठ पर वार करूंगा तो तू छटपटाएगा, छटपटाएगा तू, और नतमस्तक होकर दया की भीख मांगने आएगा। राम लोटन पाड़े। मजाक मजाक में बहुत मारते हैं, आज तो एकरा के नचा नचा के मारेंगे। देखो जगन पहलवान, हमने अपना वादा पूरा कर दिया, वादा का मुताबिक अब तुम हमारी बहन को छोड़ दो। और ना छोड़ू तो? नहीं छोड़ोगे तो हम सिर्फ निहत्था है, ना मर्द नहीं। हाय जगन, लड़की को छोड़ दो। आओ ना आरती, खड़ी कहे हो, आ जाओ ना बहन। बहन तुम हमारे जान की परवाह मत करो, घर जाओ। रंजीत बाबू सर। क्यों कैसा लगा हमारा मजा है? इधर रिमोट अब हमारा हाथ में है, जब तक तू पिटता रहेगा तुम्हारी बहन की धड़कने चलती रहेंगी, धक 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 धक। देख इसे, देख इसी को हृदय से तेरे जिस्म को के इसके छोटे छोटे टुकड़े करके काली माँ के चरणों में, काली माँ के चरणों में बलि देंगे। Yeah!
पांडे जी अब मजाक मजाक में बहुत मार देते हैं, और जब मजाक में नहीं मारते तो जान से मारते। आरती पीछे घूमो, मैं तुम्हारा बम खोलता हूँ। रामलोटन जी नमस्कार। नमस्कार। एक मिनट, सीएम साहब का फोन, सच में देखिए ना। अच्छा, अरे जी जी जैन सर, नहीं सर, रामलोटन पांडे बोल रहे सर, सॉरी सर, विधायक जी तो दो गुटों के मुठभेड़ में मारे गए सर। ओके सर, थैंक यू। अरे क्या बोला तू, किधर मारा मैं, कौन मर गया, अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, यहाँ तक गोली फाली कुछ लगी नहीं, कहाँ मरा यार। मरे नहीं है तो अब मरेंगे। अरे यार राम लोटन भाई, मजाक मजाक में मारते हैं या पता था, लेकिन यहाँ मारते हैं। सुनिए ना, हम राजनीति से इस्तीफा दे देते हैं भैया, चले जाएंगे गांव, वहां जाके बढ़िया मस्त किराना के दुकान खोलेंगे, धनिया मर्चा बेचेंगे, लहसुन बेचेंगे भैया आपके जाए तो। लेकिन आप वहां भी दाढ़ी मारेंगे। अरे ना, फंड का पैसा विदेशी दवा में, देसी दवा ये लीजिए, देसी दवा। माई हो लोटन जी, पर प्यूज हो गया। आरती पीछे खोल, बम खोल, जल्दी खोल बम, आज इसका पाप का अंत करता हूं मैं, जल्दी कर आरती, जल्दी बांध इस कमीने के गले में बम, अमृत बहन को बम से उड़ाएगा कमीना आदमी का। अगर तुम्हें पता होता कि हम तुम्हारी मौत है तो तुम हमें निहत्था बुलाने की भी भूल नहीं करते। हमरा के मत मारा, अरे हम तो छट्टू को हफ्ता देने आए थे। हाँ, तुम्हारा बाप है जो हफ्ता देने। अब हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए पांडे जी, पांडे जी हमको माफ कर दीजिए, आपको माफ कर दीजिए, नहीं मारे, हमको माफ कर दीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथ हो जाएंगे पांडे जी, जिंदा रहो, माफ कर दीजिए, साले तुम कितनों के बच्चों को अनाथ करोगे पांडे जी। पांडे राम लोटन पांडे, बलि चढ़ाओगे हमारी। उठा,
बलि चढ़ाओगे? तुम्हारे खून से आज काली मां का चौखट धोएंगे हम। देख छठू महाराज, बिल्कुल निहत्थे हैं हम। निहत्था बुलाया था ना तुमने हमें? सिद्धि सेनानी भवानी है, अम्बिके है, आर्य उबारी है, दुस्तल की नासिनी, काली खंग वाली कृष्ण कपिला कपालिनी, भवानी सर्व मंगल है, सतत प्रकाशिनी है, तारिणी बरवाणी है, भद्रकाली आपके चरणों में नमस्कार है, हमारा सहासिनी कृष्ण की परिवहन होनम कुल में जन्म ले, महिष्कर पीने वाली काली बिंदुवासिनी। प्रचंड मुंड खंडनी बनारणे प्रकाशिनी, गृह गृह निवासिनी, भजा में बिंदवासिनी, बलि चढ़ेगी आज तेरी मौत ना डाले टली, काली के भक्त हम है साले, तू तो है महाथली, बलि 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 बकरे की चढ़ती है, शेर की नहीं। धर्म की विजय हो और अधर्म का हो नाशमा, अधर्म का हो नाशमा, अधर्म का हो नाशमा, अधर्म का हो नाशमा। बलि करो स्वीकार माँ, स्वीकार माँ, स्वीकार माँ, जय माँ काली। मत रो बहन, मत रो। चलो बहन आओ, धीरे रखो, रो मत। पानी जी एक बात बोले। बोलिए। हमको ना बहुत जोर से शादी लगा है। देखिए ना, मंडप भी तैयार है, लगे हाथ हम भी फेरा मार ही लेते हैं ना। अरे त्रिपाठी जी, हम भी तो कब से तैयार हैं। अपने जीजा जी से पूछिए, क्या वो इस वर्दी वाले गुंडा को अपना साढ़ू बनाएंगे? कमाल करते हो पाणे जी, अगर जीजा जी नहीं बनाएंगे ना तो हम बिन ब्याह भाग जाएंगे। कहते हैं गुंडों से, कहते हैं याद रखो हम ही हैं राम लोटन।